नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों, आमिर खान की दिल और सनी देओल की फिल्म घायल एक ही दिन में रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दिल और घायल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि दोनों में से कौन सी फिल्म ज्यादा कमाई की थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं दिल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दिल सन 1990 में आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर, सईद जाफरी और पद्मा रानी नजर आए थे। इस फिल्म को इंद्र कुमार ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। इस फिल्म को 22 जून सन 1990 में रिलीज किया गया था। वहीं बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ 10 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 40 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 2 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 18 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 6.8 रेटिंग मिले। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और सबसे ज्यादा गाने उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने गाए थे। इस फिल्म के सभी गाने उस समय सुपरहिट रहे थे। अगर बात करें अवार्ड्स की, तो इस फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अब जानते हैं घायल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। घायल सन 1990 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, राज बब्बर, अमरीश पुरी, ओम पुरी, मौसमी चटर्जी, कुलभूषण खरबंदा और सुदेश बैरी नजर आए थे। इस फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था धर्मेंद्र ने। इस फिल्म को 22 जून सन 1995 में रिलीज किया गया था। वहीं बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट 1 करोड़ 85 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 9 करोड़ 50 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 45 लाख का कलेक्शन किया था, तो अपने पहले हफ्ते में 2 करोड़ 35 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, तो इस फिल्म ने 17 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की, तो इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिले हैं। वहीं बात करें म्यूजिक की, तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक बप्पी लहरी ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और इसके गाने ठीक ठाक चले थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की, तो इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का नेशनल अवार्ड मिला था, तो सनी देओल को स्पेशल जूरी अवार्ड का नेशनल अवार्ड मिला था। तो वहीं इस फिल्म के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, तो राजकुमार संतोषी को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इस फिल्म को बेस्ट स्टोरी, बेस्ट फिल्म, बेस्ट आर्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडिटर और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो दोस्तों, दोनों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।